आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, उसमें लास्ट में जब जैक और रोज पानी में डूबने लगते हैं तो रोज तो एक वुडन डोर पे चढ़ के लेट जाती है, वहीं जैक पानी में ही रह जाता है और ठंड से डूब के मर जाता है। अब सब ने इवन आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार रोज कितनी गंदी है। रोज जैक को भी उस दरवाजे पे लेटा सकती थी, लेकिन उसने तो जैक को मरने के लिए छोड़ दिया। और दोस्तों ये डिबेट बहुत सालों से चला आ रहा था, और जब बात मूवी डायरेक्टर के लॉजिक पे आ गई कि भाई कोई सेंस है ऐसी मूवी बनाने का, तब टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने लिटरली मूवी के उस सीन को रिक्रिएट करने का सोचा और दो स्टंट डबल्स को जो सेम जैक एंड रोज के बॉडी वेट के थे उन्हें हायर किया, एक हाइपोथर्मिया एक्सपर्ट को हायर किया और कैमरा सब सेटअप किया, बस ये जानने के लिए कि सही में जैक भी बच सकता था। दोस्तों सेट को एग्जैक्ट वैसा बनाने के लिए एक पूल फुल ऑफ आइसी वाटर चुना गया, स्टंट डबल्स के अंदर सेंसर डाले बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए और बहुत सारे तरीके अपनाए जैसे दोनों एक साथ डोर पे चढ़ के बच सकते थे। लेकिन दोस्तों एज एक्सपेक्टेड काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद एक भी ऐसा तरीका उन्हें नहीं मिला जो वैसे कंडीशन में दोनों को बचा सकता था। किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ता दूसरे को बचाने के लिए। बाद में जेम्स कैमरॉन ने सालों से चली डिबेट को ओवर करने के लिए इसी सीन की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बना डाली कि भाई अब तो चुप हो जाओ।